नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और आज एक बार फिर मैं एक खास विषय के ऊपर एक चर्चा लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आप लोग अक्सर कर जिज्ञासावश या किसी कारणवश या किसी के बताने पर बहुत सारे सवाल करते हैं, और उन्हीं में से एक सवाल है एक्लिप्स। पिछले दिनों हमने देखा था कि ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण जो हुआ था, और हमने इसको देखा था और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि एक सोलर एक्लिप्स जो है 15 फरवरी को आने वाला है, यानी कि इसी महीने में, कल के बाद। और मैं आज एक दिन पहले ही आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि इस संसार में अट्रैक्शन जो होता है, एक्लिप्स को जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को जाने एक एग्जाम्पल के साथ, तो फिर हम एक्लिप्स की ओर बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे आप मेरे साथ सहमत होंगे, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। जैसे कोई भी घटना घटित होती है तो वो घटना क्या है हम यह जानते हैं, और हम में से बहुत लोग यह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ उस बात को ही जानते हैं कि घटना किसके साथ घटित हुई है। जैसे आप मैच जीत गए हैं, क्रिकेट मैच की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं क्रिकेट मैच इंडिया जीत गया है, तो हमारा ध्यान क्रिकेट मैच जीतने और इंडिया के ऊपर रहेगा। बहुत सारे लोग इसी बात पे संतुष्ट हो जाएंगे कि इंडिया ने मैच जीत लिया है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आखिर इस जीत में किसने अच्छा पार्ट प्ले किया, तब हमारा ध्यान जाता है कि वो आज तो विराट बहुत अच्छा खेला, आज तो हमारे जो बुमराह हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमारे आज चहल बहुत अच्छे रहे, तो उनको उन्होंने ये कमाल कर दिया। तो कहने का मतलब कि हमारी जितनी नॉलेज होती है, हमारी जितनी जिज्ञासा होती है, हम उसी हिसाब से चीज़ों को जानने की खोजने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, और उनका व्यक्तिगत तौर पे हम पे जो प्रभाव रहता है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का उसके ऊपर जो विचार होता है वो अपने आप में एक अलग मिसाल होती है, अलग तरह का विचार होता है। लेकिन जो परिश्रम कर रहा होता है वो वही जानता है कि ये जो उपलब्धि है वो कितनी मेहनत के बाद उसने प्राप्त की है। इसी तरह से आसमान करोड़ों माइल्स अवे हमसे, ये मानिए कि इतने माइल्स अवे आकाश में खगोलीय घटनाएं होती हैं, और आप और मैं, हम में से बहुत लोग जो हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, बस इसके ज़्यादा उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो बच्चे होते हैं बहुत सच्चे होते हैं, वो कभी इन बातों के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। उन्हें तो जैसे बता दिया जाता है वो तो अपनी खेल कूद में, और जैसे बता दिया उसी हिसाब से उसको करते हैं। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको फिर आगे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई ये जो इक्लिप्स है इनके पीछे का कारण क्या है। और करोड़ों माइल्स अवे होने के बावजूद भी हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज कौन सी शैडो जो है अर्थ और मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाएगी, या सन और मून के बीच क्या आ जाएगा जिससे ये घटनाएं घटित होंगी। ये आगे आगे हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये पार्शियल होगा, फुल होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल आप और मैं हम रोज सुनते हैं, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ होती है जिसके साथ ये घटना हो रही होती है। अगर कोई चोर हो तो कुछ लोग चोर के बारे में कि चोर कौन है, चोरी किस चीज़ की हुई है, चोरी कहाँ पे हुई है, कितने लोग थे, बहुत सारी ऐसी बातें एक ही चीज़ के साथ जुड़ी हुई, तो अपने अपने विचार से हम इन चीज़ों को करते हैं। तो ऐसा ही एक घटना जो है घटित होने वाली है जिसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। और आप अभी से मुझे जो है उसके बारे में पूछने लगे हैं कि क्या ये सोलर इक्लिप्स जो होने वाला है उसमें हम क्या करें, इसका प्रभाव क्या होगा, हमारी राशि के ऊपर इसका असर कैसा रहेगा। तो मैं आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब समझे हुए हैं, जानकार हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इनका 12 राशियों के ऊपर जो प्रभाव होता है, हम देखते हैं कि अलग अलग मैगजीन के ऊपर या टीवी सीरियल में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर ये इक्लिप्स होगा तो इससे ये हो जाएगा, उस राशि के ऊपर ऐसा प्रभाव रहेगा। तो मैं इसको हल्के फुल्के माहौल में समझाने की कोशिश लेकर आपके सामने आया हूँ। तो हमें क्या जानना है इसमें, ये जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, सबसे पहले इसमें जानने वाली बात जो है वो है कि ये सोलर इक्लिप्स जो है वो साउथ इन साउथ अमेरिका, पैसिफिक, और उसके बाद अटलांटिक एंड
अंटार्कटिका में ये घटित होगा, यानी कि विश्व के जो बाकी हिस्से हैं दुनिया के उनके ऊपर इसका कोई असर जो है वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि असर का मतलब जब हम कहते हैं तो क्या वहाँ पे इसका असर नहीं होगा? जी हाँ, वे पार्शियली जो होगा उसका जो विजिबल नहीं होगा, बस इतना ही असर नहीं होगा। बाकी तो राशियाँ जो आसमान में राशियाँ हैं, सूर्य हैं, जो इक्लिप्स होगा वहाँ पे होगा, उसका प्रभाव पृथ्वी पे रहता है। तो इसका मतलब चाहे इक्लिप्स दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसका अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग ग्रहों के साथ जो कनेक्शन है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। उसी तरह से इंसान की मानसिकता जो है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता दूँ कि ये 12 राशियाँ जो हैं, इस एपिसोड में मैं आपको 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उसको जानने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने इसको लंदन टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो मैं जब देखता हूं तो ये लंदन टाइम के हिसाब से इवनिंग टाइम, यानी कि इवनिंग टाइम 6:05-7, ये कहें कि 6:55 पर शुरू होगा। और इसका मतलब जहाँ पे तो सनराइज क्या उस समय सनरस होगा, डार्क हो चुका होगा, तो जहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ऐसे विश्व के अलग अलग भागों में। लेकिन फिर भी क्योंकि हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, धरती और आसमान का एक गोलिए आकर्षण है एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे जो भी जीव निर्जीव वस्तु है उसके ऊपर एक प्रभाव तो उसका रहेगा। तो उसकी ही हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्रभाव अभी से देखने को आ रहा है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सबसे पहले 15 तारीख को ये एक्लिप्स होने जा रहा है, उस दिन अमावस भी है, यानी कि चंद्र बिल्कुल सूर्य के पास होंगे, 2-3 डिग्री पे ये एक साथ चलेंगे, अमावस होगी। इस दिन सूर्य इक्लिप्स की वजह से निर्बल होंगे, तो वहीं चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल पास आ जाने की वजह से अस्त होंगे। तो कहने का मतलब है कि सूर्य और चंद्र दोनों ही का निर्बल हो जाना कहीं ना कहीं विघटनकारी है, हमें अशांत करने वाला है, हमें निर्बल करने वाला है, हमें कमजोर करने वाला है। लेकिन क्या ऐसा होगा? इस चीज को समझने के लिए हमें राशियों को देखना होगा और राशियों में इन ग्रहों की स्थिति को देखना होगा। जब हम उनको देखते हैं तब हम सही मायनों में जान सकते हैं कि आखिर यह जो एक्लिप्स है वो क्या प्रभाव लेके आएगा अलग अलग राशि के लोगों के ऊपर। सबसे पहले जो एक्लिप्स जब शुरू होगा तब होगी सिंह लग्न और उसमें राशि होगी, राशि जो होगी वो होगी कुंभ राशि। सिंह लग्न और कुंभ राशि में ये लंदन टाइम के हिसाब से ये एक्लिप्स जो है वो होगा। और मैं इसको एरी राशि शुरू करूंगा कि एरी राशि में जब हम देखते हैं, जब हम कहते हैं कुंभ राशि में होगा, तो इसका मतलब एरीज के लाभ स्थान में सूर्य और चंद्र का योग। सूर्य चंद्र एक साथ होंगे, बुध शुक्र भी साथ होंगे, सूर्य चंद्र बुध शुक्र का एक योग लाभ स्थान में होगा। वहीं हम देखेंगे तो राहु जो है वो बिल्कुल एक ऐसे इक्वेशन में आ जाएंगे जहां पे ये बैठे होंगे तीसरे घर में, थर्ड हाउस में, यानी कि जेमिनी राशि में, कैंसर राशि में, चौथे घर में बैठे होंगे। तो इसका प्रभाव किस तरह से होगा उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इसको देखता हूँ, इसको जब समझने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं पाता हूँ कि एरी राशि वालों के लिए यह इक्लिप्स निश्चित तौर पे एक होड़ होगी, एक दौड़ होगी कि मुझे बहुत अच्छा करना है। और इसमें यह इक्लिप्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगा, यानी कि आपके स्टेटस को बढ़ाने में, आपके कार्यशैली को बढ़ाने में, आपकी परिपक्वता में बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला। इसलिए एरी राशि वालों को इस बात से डरना नहीं चाहिए। आपके अंदर हिम्मत होगी, ऊर्जा होगी, आपको एप्रिशिएशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि आपके सिवा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, आप सब वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी समस्या होगी, क्योंकि चंद्रमा साथ में निर्बल होगा और राहु बिल्कुल जो है चंद्रमा की ही राशि में बैठा हुआ। एक्लिप्स का कारण है राहु शैडो जो उस समय सूर्य के ऊपर आके टिकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शैडो है जब आएगी तो चंद्रमा को कमजोर करेगी, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति में होंगे जहां पे आपके अंदर एक इस तरह की इनसिक्योरिटी आ जाए कि कहीं कोई आपको ओवरटेक ना कर ले। टेक ओवर करने की जो स्थितियां होती हैं वो कामें तो होती हैं, लेकिन जब कोई ओवरटेक करने की बात करता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से होगा आपको गुस्सा। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। ये गुस्सा आपको घटना दुर्घटना के साथ जोड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको चोट आदि आ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है और आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यानी कि इक्लिप्स से ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति आपको मुश्किलों में डालने में ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो इस समय का इसका मतलब यह है कि अपने इमोशन के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर काबू रखकर सूर्य ग्रहण का जो फल आपको मिलेगा इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर यही बात मैं कहूँ टॉरस राशि वालों के लिए कि आपके लिए ये एक्लिप्स कैसा होगा,
तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए ये इक्लिप्स निश्चित तौर पे कुछ नई चीजों के प्रति, नए नए विचारों के प्रति आपको ये अग्रसर कर रहा है। और टॉरस राशि में ये खास तौर पे दिखा रहा है कि किस तरह की यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। वैवाहिक इनविटेशन आपको आ सकता है, कोई मैरिज का इनविटेशन आ सकता है, आपकी खुद की मैरिज के प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी में प्रगति लेके आने वाला है, यानी कि यात्राओं के साथ साथ आपके जीवन में खर्चे, यानी कि जीवन की जब बात करता हूँ तो प्रेजेंट की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, इस एक्लिप्स के तुरंत बाद जो होने वाले प्रभाव है उसकी बात करता हूँ। तो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शादी से जुड़े कामों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, यात्राएं आपके लिए बनती दिखाई दे रही हैं। वहीं काम काज से छुट्टी लेके घर बैठने को मन करता है तो वहीं काम काज में कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के कि ये जो स्थितियां हैं आप लोगों की बनी हुई हैं वो निश्चित तौर पे आपके लिए एक शुभ स्थिति दिखा रही है। इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इस समय के दौरान आप ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ ना कुछ चैरिटी करें तो उसमें आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे और आपकी मनोवांछित चीजें जो हैं, जो फल हैं, वो आपको इस सूर्य ग्रहण से मिलने वाले हैं। आपके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा साबित होने वाला है। बात करूं जैमिनी राशि की, जब मैं जैमिनी राशि को देखता हूं तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये एक चैलेंज लेके आ रहा है आपके सामने। कंपटीशन बहुत होगा, कंपटीशन होगा, आप के अपने ही आपके कंपटीशन में खड़े होंगे। ये बात अलग है कि आप कंपटीशन जीत जाएंगे, जीतने की समर्था रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। और साथ साथ ध्यान रखें कि इस समय के दौरान ये कंपटीशन किस तरह से लीगल मैटर से जुड़ा हुआ ना हो, आप किसी लीगल मैटर में अपने आप को इन्वॉल्व होने से बचा लें तो निश्चित तौर पे ये एक्लिप्स आपके लिए एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अन्यथा ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ लीगल मैटर जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको अपनों के ही अगेंस्ट जो है वो खड़ा होना पड़ सकता है। इस चीज का लेट डाउन कहीं ना कहीं आपको रहेगा, लेकिन क्या करें, युद्ध है, धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए महाभारत क्यों ना करना पड़े, लेकिन जानबूझ के अगर आप उस चीज को छेड़ेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी बात है। अगर मैं बात करूं कैंसर राशि की, तो कैंसर राशि वालों कहना चाहूंगा कि यह जो स्थितियां हैं निश्चित तौर पे आपके लिए एक बेहतरीन स्थितियां बन गई हैं। बेहतरीन यानी कि गेट टूगेदर का समय हो गया है परिवार में। आने वाले दिनों में इस सूर्य एक्लिप्स की वजह से कुछ समागम, विवाह शादी के योग, गेट टूगेदर, किसी का बच्चे का जन्म होना आदि स्थितियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। अगर बच्चे का जन्म होता है दौरान तो साथ ही साथ देखता है कि उनको कुछ हेल्थ के इश्यू रहेंगे जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। ऐसी समस्याएं भी साथ में बनी हुई दिखाई दे रही है। और वहीं मैं देखता हूं कि कामकाज के मामले में निश्चित तौर पे आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, उसका आपने पूरा पूरा एफर्ट हमेशा की तरह बनाना है। और जो लोग एजुकेशन में निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं जो सोलर इक्लिप्स है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अब मैं बात करूं लियो राशि, क्योंकि ये लियो राशि लंदन टाइम के हिसाब से जब इक्लिप्स होगा तो लियो राशि लियो लगन के में होगा और कुंभ राशि में होगा। तो लियो लगन या राशि जो है उस समय जहां पे उसका उदय होगा, तो हम ये देखें कि लियो वालों के लिए ये कार्य के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में एक प्रोग्रेस, तो आपकी दसों उंगलियां इस सोलर इक्लिप्स से आगे की ओर आपको बिजनेस में, जॉब में, जॉब इंट्री में, सफलता में आपको लेके उठी दिखाई दे रही है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लाभ की संभावनाएं बनेगी, आपने कोई एप्लीकेशन डाल के उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि इसका आप पूरा पूरा लाभ जो है वो आप ले पाएंगे। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अगर घर के बारे में कोई सोच रहे हैं, घर में कुछ करवाना है, प्रॉपर्टी लेने की बात विचार बार बार आ रहे हैं, तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ने का समय है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित तौर पे यात्राओं का सिलसिला भी आपके साथ रहेगा, लेकिन कुछ लोग यात्राएं कर पाएंगे उनकी अपनी कुंडली के ऊपर है, कुछ लोग घर में ही बैठे रहेंगे लेकिन उनके मन में बाहर जाने का, घूमने का, किसी यात्रा का, यानी का सवाल भी कूदता रहेगा जो उन्हें परेशान करेगा। मैं कहता हूँ सिट बैक एंड रिलैक्स, इससे बेहतर कई बार कुछ होता नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं तो एक शॉर्ट जर्नी कहीं ना कहीं विद इन द कंट्री या यहाँ वहां करके आप करें तो निश्चित तौर पे इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसका पूरा पूरा लाभ आप लेने की कोशिश करें। तो मैं कहूंगा कि अच्छा इक्लिप्स आप लोगों के लिए होने जा रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए, तो वर्गो के जो लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा भाई, कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे इस बार, आपकी किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है आप लोगों के लिए।
कन्या लगन वालों को या राशि वालों को ये स्थिति जो है खास तौर पे लाभदायक बनेगी संतान के मामले में। संतान के साथ समय स्पेंड करना, संतान के साथ संतान की प्राप्ति के योग रहेंगे। हो सकता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी दिखती थी अचानक से उसको सजेरियन करना पड़ जाए, सी सेक्शन से बच्चे पैदा हों, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन वर्गो राशि के लोग जो लव अफेयर में हैं, मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सावधान रहें। इसमें कई तरह के लेट डाउन या आर्गुमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये एक्लिप्स थोड़ा सा इस मामले में परेशान कर सकता है। बात करूं लिब्रा राशि की, लिब्रा राशि की जब मैं बात करता हूं तो ये फुल विद अम्बिशन, धन की वृद्धि, परिवार में समागमों की बात, वो चाहे आप कोई धार्मिक फंक्शन कर रहे हैं, किसी बच्चे का जन्म है, कोई नया मेंबर गेस्ट फैमिली में आ गया है, आपकी शादी, आप शादी के में कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे उत्सव का समय जो है इस समय आपके लिए देख रहा हूँ। तो लिब्रा राशि वालों के लिए निश्चित तौर पे जैसा निकलेप जो है एक बेहतरीन होने वाला है। और साथ ही साथ कहूंगा, अगर हो सकता है तो पक्षियों की सेवा करना इस समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और छोटी बच्चियों को मीठा देकर आशीर्वाद लेता, ये एक्लिप्स आपके लिए बहुत ही अच्छे सुख समाचार छोड़ के जाएगा। ये एक बहुत अच्छा एक्लिप्स आप लोगों के लिए होने वाला है आपकी राशि के ऊपर। वहीं बात करूं स्कॉर्पियो राशि की, जी हाँ स्कॉर्पियन, मैं कहूंगा कि हिम्मत से ओत प्रोत स्रोत हैं, नई जॉब, नया काम, नया मिशन आपके अंदर रहेगा, नो डाउट। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन आपको गुस्से के ऊपर काबू रखना है। आपका गुस्सा आपके ही कामों में, जिस डाली पे बैठे उस डाली को काटने वाली बात हो जाएगी। तो एक्लिप्स आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस से, प्राउड से, ईगो से आपको भर रहा है, तो आपको सावधानी पूर्वक इसका इससे बचना भी है और अपनी सफलता को आगे बढ़ाना है। किसी तरह की कोई आप एप्लीकेशन डालने वाले हैं, आपका कोई वीजा का मसला है, आपका कोई कोर्ट का केस है, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें सफलता के योग एक्लिप्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप इसके लिए तैयार हैं। और वहीं सूर्य थर्ड हाउस से लिंक रहेगा, आपका हल्का सा लिंक रहेगा, जिसकी वजह से यात्राओं का सिलसिला भी बनेगा। थर्ड हाउस से लिंक रहने का मतलब है कि राहु जो इक्लिप्स का कारण है, वो अपनी नाइन्थ हाउस की छाया जो है यात्रा के माध्यम से देगा, जिसमें यात्राएं होंगी। वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी के कुछ मसले आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सफलता आपको मिल सकती है और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर मैं धनु राशि की बात करूं सैजिटेरियन, तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत सावधान रहना है हेल्थ के मामले में। आप लेजी बिल्कुल नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना है। गुस्से पे तो आपको फायरी साइन है, तो गुस्सा आपको काफी रहेगा। धन आमदन होगी तो खर्चे भी बढ़ चढ़ कर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगा कि पीस ऑफ माइंड को बनाने के लिए शहद का सेवन करना इस समय आपके लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप सूर्य ग्रहण के बाद अगर हो सकता है तो शगन के रूप में शहद का प्रयोग करें, तो ये निश्चित तौर पर आपको बला बल तो देगा, आपकी अग्रेसिवनेस को भी कहीं ना कहीं काम करने में आपके लिए सहायता देगा। वहीं ये कहूंगा के धन के मामले में ये निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। अचानक से आपके बैंक अकाउंट में, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, कुछ पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पैसे आने ही चाहिए, किसी तरह से भी आ जाए, तो ये एक्लिप्स आप लोगों के लिए अच्छा है। थोड़ा गुस्से पे आप लोग भी काबू रखिए। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि जी हाँ, निश्चित तौर पे आपके लिए भी ये एक्लिप्स अच्छा है। सैजिटेरियन के लिए बहुत अच्छी बात, जो लोग एजुकेशन में, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने होंगे ताकि वो अपने उम्मीद के अनुसार अपने रिजल्ट को बना पाए, ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। बात करूं कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन राशि वालों कहूंगा कि ईगो, आप लोगों के अंदर भी जोश एनर्जी रहेगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का अवसर मिलेगा, प्रॉपर्टी के झगड़ों में विजय मिलेगी, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आपको रखना है, यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए ये एक्लिप्स जो है वो सफलता का है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान आप जरूर रखें और गुस्से पे काबू बनाए रखना बहुत जरूरी है। सूर्य जब निर्मल होता है तो आदमी चिड़चिड़ा, कई बार गुस्सा जो होता है चिड़चिड़ाहट के रूप में निकल आता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चिड़चिड़ाहट आपके ऊपर होगी, जिसकी वजह से आपकी इमेज या आपको अलग रूप से देखा जाएगा। तो इसके लिए उम्मीद के अनुसार अगर मैं कहूँ तो आपको सफेद रंग की चीजों का दान करना इस एक्लिप्स के बाद, इस सोलर एक्लिप्स के बाद आपके लिए लाभदायक रहेगा। उससे आपके लिए बेहतर स्थितियां बन जाएंगी और एक अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं। तो कुल मिला के एक अच्छा एक्लिप्स आप लोगों के लिए बना हुआ है। बात करूं अगर मैं एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि जिसमें ये एक्लिप्स होने जा रहा है, यानी कि सूर्य इसी राशि में होंगे, तो मैं ये बता दूं कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखना है। खर्चे बढ़ चढ़ कर होंगे, इस बार आपके खर्चों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके अपने पार्टनर के साथ संबंधों में भी कुछ सेपरेशन, दरार, झगड़ा आ सकता है, तो आपके ऊपर ये एक्लिप्स जो है खास तौर पे कुछ परेशानियां लेकर आएगा।
लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं किसी भी ऐसे ग्रह की जो आपके लिए बुरा हो, उसकी दशा नहीं चल रही है, तो निश्चित तौर पे आप इस चीज़ से बच जाएंगे। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों को इस इक्लिप्स से काफ़ी सावधान रहना होगा और बचना होगा। और अगर मैं बात करूँ मीन राशि वालों की, तो पाइसिस राशि के लोग जो हैं उनको मैं खासतौर पर कहूँगा कि ये जो राशि है, आपकी राशि में जो इक्लिप्स हो रहा है, ये इक्लिप्स निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, जैसे कहते हैं ना, उम्मीदों का भरा हुआ बजट। जैसे हम देखते हैं कि हमारा कंट्री का बजट आएगा, तो मैं बता दूं कि ये एक्लिप्स आप लोगों के लिए उम्मीदों की पोटली है। धन, भाग्य वृद्धि, सक्सेस, हर तरह के एस्पेक्ट से मैं जब इसको देखता हूं इस एक्लिप्स को, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ये आपकी कामयाबी का एक एक्लिप्स होगा। और आपको निश्चित तौर पर अब एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी का समय पर एक्शन लेके फ़ायदा लेना होगा। तो आप मान लीजिए कि ये एक्लिप्स, जिसकी सब लोग कहेंगे कि आपके 12th हाउस में हो रहा है, तो ये आपके लिए बुरा है, लेकिन मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ कि ये एक्लिप्स आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला है और एक वन ऑफ द बेस्ट टाइम या मंथ कह सकता हूँ आपके पूरे वर्ष में, अगर ये एक्लिप्स बना देगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि 12 की 12 राशियों में छोटे छोटे उपाय साथ में दिए हैं, तो किस तरह से हम देखें नेगेटिव जहाँ है वहाँ पर किस तरह से सावधान रहें। तो यही कहूँगा कि जब हम राशियों के बारे में चर्चा करते हैं किसी एक्लिप्स के बारे में, तो उसमें हमें क्या जानना होता है। तो आप अच्छी तरह से अब जान गए होंगे कि एक्लिप्स से आपकी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए, आप लाइक करें, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को, मेरे चैनल को, यानी कि अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुद भी देखें, अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यूं ही छोटी-छोटी जानकारी, बेहतरीन जानकारी जो है लॉजिक के साथ आपके सामने लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अब नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।